फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रीवा मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात जाने के लिए सिरमौर बसामन मामा रोड से होकर जाना होता है। ये है टमश नदी जो आगे चलकर पूर्वा फॉल का निर्माण करती है। यहाँ से मुड़ेंगे हम दाहिने तरफ और यहाँ से पूर्वा फॉल की दूरी है 300 मीटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके ट्रेवल एंड टेक इन्फो। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और मैं आपको दिखाऊंगा आज पूर्वा फॉल जो कि स्थित है रीवा शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर। और फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं पूर्वा फॉल और मैं आपको दिखा रहा हूं यहां से पानी के फुहारे जो कि धुएं के समान ऊपर आपको उड़ते नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं फॉल के करीब। और फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं पूर्वा फॉल और साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे झरने को देखने के लिए व्यू पॉइंट बनाए गए हैं जहां से झरने को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। व्यू पॉइंट में सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की बाउंड्री बनाई गई है। पूर्वा जलप्रपात को बरसात में देखना बहुत ही मनोरम होता है। पूर्वा जलप्रपात रीवा शहर का एक शानदार झरना है। इस झरने की ऊंचाई 70 मीटर लगभग 230 फीट ऊंचा है। पूर्वा फॉल टमस नदी पर बना हुआ है। और सच कहूं फ्रेंड्स, ये रियली बहुत अमेजिंग है। प्रकृति का एक ऐसा दृश्य जो बहुत कम देखने को मिलता है। पानी के फुहारे इतने तेज हैं कि आप कुछ ही समय में यहाँ भीग जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ बारिश हो रही हो।
जलप्रपात को देखने का सबसे अच्छा समय बरसात का है। यहाँ पर चट्टानों से बहता हुआ झरना बहुत ही मनोरम लगता है। यदि आप घूमना पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आकर प्रकृति के अनोखे दृश्य की मनोहरता को निहार सकते हैं। यह फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको विजिट कराने वाला हूं और भी रीवा शहर के मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस। सो बने रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ।